बंडा नगर परिषद में दूषित पानी मिलने की शिकायत को लेकर रहवासियों ने पैदल मार्च करते हुए एसडीएम को ज्ञापन दिया। इस बीच एसडीएम के न मिलने पर रहवासियों ने जमकर हंगामा करते हुए नारेबाजी भी की, जिसके काफी देर बाद एसडीएम ज्ञापन लेने पहुंची। इस बीच एसडीएम और रहवासी एडवोकेटर के बीच जमकर बहस हुई, जिसके बाद एसडीएम बिना ज्ञापन लिए ही अपने चैम्बर में चली गयी। तब सीएमओ ज्योति सुनेरे एसडीएम को मनाने पहुंची, तब जाकर एसडीएम ने ज्ञापन लेकर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। लोगों का कहना है कि दूषित पानी पीने से लोग बड़ी संख्या में बीमार हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। पंडा में लगातार पीला पानी सप्लाई किया जा रहा है, तो साथ ही साथ पानी किस दिन आना कब आना इस संबंध में कोई भी निश्चित समय पीरियड नहीं था। साफ पानी हमारा मूलभूत अधिकार है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, ना कोई आपसे एहसान चाह रहा है, ये हमारा राइट है। पानी पर्याप्त है, बेबस नदी में बहुत पानी है, उससे आसानी और उतने ही साफ करने के संसाधन है। समस्त संसाधन होने के बावजूद भी नगर परिषद द्वारा एक मिथ्या पानी संकट खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। जल समस्या को लेकर जो इनके कुछ बिंदु हैं, जैसे कि पीला पानी आ रहा है या अनियमित आ रहा है या कम समय के लिए आ रहा है, तो उसके लिए नगर परिषद को निर्देशित कर दिया गया है। पीला पानी के लिए जरूर ट्रीटमेंट करेंगे, गंदा पानी बिल्कुल भी सप्लाई नहीं होगा। ये जरूर है कि बंडा में पानी की कमी है, और अगर अभी दो दिन के अंतराल में देने की अगर मांग है और देंगे तो मई जून तक हमें बहुत समस्या होगी, और कहीं से भी ऐसे परिवहन के लिए सोर्स नहीं है। तो उस हिसाब से अभी भविष्य को देखते हुए, आगामी 2 महीने 3 महीने को देखते हुए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पूर्ति हो जाए पानी की।